Hello, good morning dear students. Welcome to Shri BL Memorial Academy online platform. Last class में हमने क्या पढ़ा था? हमने cylinder shaped object पढ़े थे. Cylinder shaped object में हमने objects देखे थे कि कौन कौन से cylinder के shape के हैं और फिर उसकी कुछ properties पढ़ी थी. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Cone shaped object. क्या पढ़ रहे हैं? Cone shaped object जो cone की shape में होते हैं. अब कोन का शेप कैसे होता है? कोन का शेप आप सब ने आइसक्रीम खाई होगी. आइसक्रीम का कोन होता है, वो जो शेप होता है वो क्या कहलाता है? कोन शेप. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखे हैं, वो शेप हमें स्टडी करने हैं कि ये कौन कौन से शेप है. देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? आइसक्रीम कोन. आइसक्रीम कोन मैंने आपको अभी बोला था, आइसक्रीम का कोन क्या होता है? कोन शेप का होता है. अब कॉनिकल टेंट, एक टेंट है जो कोन शेप का है. ठीक है, एक फनल, फनल के शेप की है, कोन शेप की है, फनल के शेप की है, कोन शेप की है. कॉनिकल कैप, कॉनिकल कैप का मतलब जोकर की कैप होती है, जोकर की कैप, या फिर बर्थडे पार्टी में हम जाते हैं तो कैप लगाते हैं, वो क्या हो गई? कॉनिकल कैप. टर्निप, टर्निप मतलब शलजम, शलजम होता है ना, वो क्या होता है? कॉनिकल शेप का होता है, कोन शेप का होता है. कैरेट, कैरेट गाजर तो सबने खाई होगी, गाजर के शेप की होती है, कोन शेप की होती है. अब देखो ये तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे आपको, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? कोन का फिगर दे रखा है. पेज नंबर 13 पे देखो कोन का फिगर दे रखा है. कोन कैसे बना हुआ है? इस तरीके से, ये ट्राइंगल टाइप और फिर नीचे क्या आ गया? ये गोला. तो ये क्या हो गया? कोन हो गया. वर्टेक्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं कोने, तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका? ये वाला वर्टेक्स हो गया. ये जो है ये क्या हो गया इसका? कर्व्ड सरफेस. ये क्या हो गया है इसका? प्लेन सरफेस. और ये क्या हो गई इसकी? एज हो गई. ये क्या हो गई इसकी? एज हो गई. तो इसमें देखो क्या क्या है. अ कोन हैज वन वर्टेक्स. एक वर्टेक्स होती है, मैंने अभी आपको बताया, एक एज होती है और दो फेसेस होते हैं. एक वर्टेक्स होती है, एक एज होती है और दो फेसेस होते हैं. अब दो फेसेस कौन कौन से होते हैं? कर्व्ड सरफेस होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस होता है ये वाला, और एक क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है ये वाला. तो क्या हो गया? एक तो कर्व्ड सरफेस होता है और एक क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है. और इसकी एज जो होती है वो भी क्या होती है? कर्व्ड होती है. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट पढ़े, उसके एग्जांपल्स देखे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फिगर पढ़ेंगे. आप साथ साथ में ये फिगर फिगर के जो एग्जांपल्स है वो देखते रहो, अपने आसपास की चीज़ों को भी देखो कि ये किस शेप का है, ये किस शेप का है, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कैसे कैसे शेप्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शेप पढ़ेंगे. थैंक यू.